स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्सर की परेशानी से भी जूझ रहे हैं, और सिर्फ उन्हें इस दौरान जलन नहीं होती है बल्कि गैस की भी दिक्कत होती है। लंबे वक्त तक रहने पर पाइल्स में ये तब्दील हो जाती है, तो इस परेशानी से बचने का क्या उपाय है, वो लोग क्या करें? पाइल्स के लिए मैं 4-5 सटीक उपाय बताता हूँ। अब जैसे खूनी बवासीर हो तो देखो, आज हमने जो ये उपाय रखे हुए ना सामने, ये बड़ी दूधी है, ऐसी एक छोटी दूधी भी होती है, ये दूधी घास और ये संजीवनी घास, ये बवासीर का इलाज है। बवासीर हो, खून बहता हो शरीर से, तुरंत ठीक हो जाता है। कच्चा दूध, ठंडा दूध, कच्चा दूध तुरंत धोया हुआ को कहते हैं धारोष्ण ऐसी, लेकिन गर्म करके ठंडा दूध भी फायदा करता है, ये हमने लाखों लोगों पर देखा है। गाय का दूध 1 कप लिया, उसमें 1 नींबू निचोड़ा और पी लिया, उससे कोलाइटिस और जिनको कॉन्स्टिपेशन हो उसमें भी फायदा होता है। लेकिन एक चीज ये जरूर कर ले, जरा देखो, 1 कप दूध के अंदर 1 नींबू डाल करके पी लिया, 3 से 7 दिन प्रयोग कर लिया और ये पॉइंट दबा लिया, तो बवासीर पूरी ठीक। अभयारिष्ट से अर्षकल्प भी हम पहले देते थे, अब हमने एक बहुत ही सुपर स्वामी जी पॉइंट क्या पाइल्स वालों की समस्या में भी कारगर अल्टीमेट मेडिकेशन है। हाँ, ये पाइल्स के लिए। और अर्शोग्रिट जो है वो 2-2 गोली खाने से तुरंत बवासीर ठीक हो जाती है। पाइल्स में जब मस्से फूल जाते हैं तो एलोवेरा जेल लगा दे, अंगुली से लग जाता है, थोड़ा अंदर लगा दे और ऊपर तक लगा दे, 1 ही दिन में बवासीर के मस्से ठीक। लो, ये प्रयोग मैंने अभी नया नया करवाया, ये करीब 15-20 दिन पहले का ये परिणाम है। तो जिनको बवासीर के मस्से होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, ब्लीडिंग भी जो है वो उसमें फ़ायदा तुरंत हो जाता है। तो उसको बादी बवासीर बोलते हैं, एक को खुली बवासीर बोलते हैं, और एक फिशर हो जाता है वो भी अर्शोग्रिट से अभयारिष्ट से दूर होता है, और ये पॉइंट दोनों हाथों में ऐसे दबाएँ, और एक आधा ग्राम कपूर केले में डाल करके ले लेते हैं, उससे भी बवासीर अच्छी हो जाती है, और लगातार आंवला एलोवेरा गिलोय का रस पीते हैं उससे भी बवासीर अच्छी हो जाती है। और बवासीर को दूर करने के तो बहुत से उपाय हैं, वो तो आगे हम शो में आगे बताते रहेंगे स्वामी जी, तो बवासीर नहीं रहेगी, हाथ में यहाँ और पैर में यहाँ ये पॉइंट होता है जी। अच्छा स्वामी जी, ये पेट की जो परेशानी होती है क्या ये भी जेनेटिक होती है, कि जैसे कि अगर आपके माता पिता में किसी का पेट कमजोर है तो बच्चे को भी पेट कमजोर मिलता है जब वो होते हैं, तो ऐसे में कुछ टिप्स अगर आप बता सकेंगे जिसके जरिए, कोई 3 टिप्स ही बता दीजिए जिससे बच्चों का ये पेट स्ट्रांग बन जाए और गट हेल्थ भी अच्छी रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखो, माता पिता के ही 2 पवित्र अंशों से, जैसे बीज से फसल होती है, अब इसमें कोई सुपर साइंस नहीं है ना, जैसा बीज वैसी फसल, और वो बीज खेती की इससे भी लेकर के गाय भैंस की भी ऐसी नस्ल, जैसे उनके मेल फीमेल माता पिता होते हैं वैसे ही गाय की नस्ल, भैंसों की नस्ल, एक एक गाय की कीमत अब 10-10, 20-20 लाख रुपए हो गई है, जो 40-50 किलो दूध दे रही है। एक एक भैंस की कीमत 50-50 लाख रुपए, क्यों? क्योंकि जो भैंस 25-30 किलो दूध देती है और उसका जो जिसको झोटा बोलते हैं उसकी भी कीमत 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए झोटे की कीमत और नंदी की कीमत, क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो ऐसी गाय का है, ऐसी भैंस का है जो 40-50 किलो दूध दे रही है। लो, तो इस जैसे जानवरों में होता है ऐसे आदमियों में भी, जिसके माता पिता के आते कमजोर होते तो बच्चे की भी आते कमजोर होते। तो प्रेग्नेंट लेडीज को एक तो कपालभाति को छोड़ के अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और सूक्ष्म व्यायाम ये सब करना चाहिए, और माँ को एक एक ये जो लिवोग्रिट है ना, ये लिवोग्रिट वाइटल है, ये एक एक खा लेनी चाहिए। जिसको कोलाइटिस है माँ को, तो ये कोलोग्रिट खा लेनी चाहिए। तो मैं इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूँ, जिनके फेफड़े कमजोर हैं उन माताओं को ब्रोनकोम खा लेनी चाहिए, जिनके हार्ट कमजोर उनको एक हृदयामृत, और जिनकी मेमोरी वीक है, सिर में दर्द माइग्रेन पेन बहुत होता रहता है, आईक्यू लेवल वीक है, तो मेदावटी एक एक खा लेनी चाहिए। जिनकी हड्डियां कमजोर हैं उनको माताओं को पानी में एलोवेरा जूस पीना चाहिए, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी बच्चों के।
जिनको वात दोष है, पित्त दोष है, कब किसी को तो त्रिदोष है, तो उनको गिलोय लेना चाहिए। गिलोय पानी में, ठंडे पानी में, सामान्य पानी में ले ले प्रेग्नेंट लेडीज को। तो गर्भवती महिलाएं योग करेंगी और आयुर्वेद का प्रयोग करेंगी, हेल्दी आहार लेंगे, तो बच्चों में बीमारियां ट्रांसफ़र नहीं होंगी। ये इसलिए मैंने बता दिया कि जेनेटिक बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है। जेनेटिक किसी को शुगर होने की समस्या है तो खीरा करेला टमाटर का जूस गर्भवती माई पे लेगी, उसका पेनक्रिया सुपर एक्टिवेट हो जाएगा जो है, और ये प्रक्रिया 9 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए। 9 महीने पहले, 1 साल पहले से तैयारी करें। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न नाम की संतान को जन्म देने के लिए 12 साल तक तपस्या की थी, ये भागवत में और महाभारत में कथन आता है। तो 9 महीने पहले से तैयारी करेंगे तो शुक्र बीज रज बीज भी अच्छे बनेंगे और उसके बाद उन बच्चों का पोषण भी वैसे ही होगा, तो कोई जेनेटिक बीमारियां नहीं होगी। मैंने बार बार कहा हुआ है, हमारे मूल जीन्स बीमारियों से मुक्त थे, पिछले 50-100 सालों में बीमारियां आ गई, अब इनको हम योग आयुर्वेद से, निसर्ग से, प्रकृति से हटा देंगे। मेरे भाई अमित जी, ज्योत्सना जी, बीमारियों की इन चेन को योग के, प्राणायाम के जरिए काटा जा सकता है। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो बीमारियों की जेनेटिक हमने ट्रांसफ़र की बात की, लेकिन क्या पेट की जो परेशानियां बाकी लोगों को हैं उनको प्राणायाम के जरिए भी दूर किया जा सकता है? कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो पाचन को दुरुस्त रखने में फ़ायदेमंद है? और स्वामी जी, वो पूरा एक पैकेज प्राणायाम का बता दीजिए। ये ज़रूर बता दें, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं कहता हूँ यदि प्राणायाम ही पूरा किसी ने कर लिया ना, योग पूरा न करने के कारण से ही जीवन में रोग है। योग और रोग, ये हमारा अमर बोलता है, एंक्रोजिंग स्पोलारिटीज था इसको, अब दौड़ता है ये पूरा है। और ये जितने भी भाई भाई हमारे बैठे हुए अलग अलग रोगों से उन्होंने मुक्ति पाई है। योग पूरा न करने के कारण से ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष और ऑटोमेन डिजीज और तमाम तरह के फिजिकल मेंटल डिजीज है। और रोग के अलावा ये जो जीवन में हिंसा है, क्रूरता है, भय है, भ्रष्टाचार है, जीवन में दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं हैं, अंधेरा है, ये सारा हट जाता है। बसरी का 1 से 2 मिनट डेली करना है। कपाल भाती रोज करना है। सुन लो मेरे भाई, यासीन, सद्दाम और अकबर हमारे, ये भी एक बार जोरदार ताले बजा दे, छोटे छोटे बच्चे आ गए हमारे, तो आज तुमको सेवैयाँ भी खिलाएंगे, आज ईद की इनाम भी देंगे, लेकिन ये भी सीख के जाओ, है ना? ठीक सुन रहे हो अकबर, यासीन, सद्दाम, छोटे छोटे बालक है, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये वन गुजर बोलते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, वहाँ से हमने बच्चे बुलाए, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन बहुत प्यारे बच्चे हैं ये। और अब इनको पढ़ाने भी लग गए, नहीं तो पहले पढ़ाते नहीं थे। गाय भैंस चराते हैं लोग और उसी से अपना गुजारा करते, दूध बेच करके अपना घर परिवार चलाते हैं। हाँ, तो आज इनको गाय के दूध में सेवैयाँ बना के खिला रहे हैं, आज इनकी का ईद जो है हम मनाए गए। तो कपाल भाती, फिर ये बाह्य प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। देखो, कपाल भाती से तो एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा पाचन तंत्र, लंग, हार्ट, थायराइड तक पूरा इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स इससे एकदम हेल्दी हो जाते हैं। बाह्य प्राणायाम से मूलाधार से लेकर के ससरार तंत्र शक्ति का जागरण होता है और पाचन इतना स्ट्रांग हो जाता है, भूख कड़ाके की लगती है। तीर बंद के साथ और यह अनुलोम विलोम बहुत ही जबरदस्त है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।